हमारे रहते आप बेरोजगार क्यों हैं? सरकारी नौकरी की सबसे अच्छी तैयारी, सबसे अच्छे अध्यापक, सबसे कम फी, हरियाणा का नंबर वन कोचिंग सेंटर ICS। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे जो है कल जो चौक स्थापित किया गया था, किसान चौक, और जिसको आधी रात को कुछ लोगों ने उस चौक को तोड़ दिया था और सुबह से किसान है यहां पे फिर एकत्रित हो गए और चौक का निर्माण है वो फिर से कर दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि पहले से कहीं जो है बड़ा चौक है वो बना दिया गया है और इसमें किसान एकता का झंडा है वो जो है लगा दिया गया है। किसानों ने आज सुबह से ही यहाँ पे धरना प्रदर्शन नारेबाजी शुरू की और प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पे पहुँचे थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने किसानों से अपील की कि इस चौक को बनाने के लिए वो एक एप्लीकेशन उनको दे दे ताकि जो है प्रॉपर तरीके से जो है उसकी मंजूरी ली जा सके। किसानों ने कहा कि मंजूरी जो है वो जो है आ जाएगी, लेकिन वो चौक है वो उसका निर्माण है वो करेंगे। और अब है मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि चौक का निर्माण है वो फिर से किसानों ने कर दिया है। चूँकि कल जो है दांडी से शुरू होकर के सिरसा पहुँची मिट्टी सत्याग्रह यात्रा और उस यात्रा में जो जहाँ जहाँ पे जो किसान आंदोलन हुए हैं आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद, तो वहाँ की मिट्टी लेकर के जो है वो यात्रा सिरसा पहुँची थी और उसी की मिट्टी से ही इस चौक का निर्माण किया गया था। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि जननायक जनता पार्टी के कार्यालय के समक्ष इस चौक का जो निर्माण है वो कल किया गया था। जो दांडी से जो यात्रा मिट्टी सत्याग्रह की चली थी, जिसमें मेघा पाटेकर, डॉक्टर सुनीलम सहित जो अलग अलग प्रदेशों के जो किसान जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचे थे। चौक का निर्माण उन्होंने किया था और जो है अब जो है फिर से जो चौक है वो बना दिया गया है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं कि फिर से चौक का निर्माण है वो कर दिया गया है। किसानों ने आज सुबह से ही यहां पे, क्योंकि तनाव की स्थिति है वो पूरी तरह से बनी हुई थी, भारी पुलिस बल है वो यहां पे तैनात है वो कर दिया गया था और जो है किसानों ने जो है चौक है उसका निर्माण है वो कर दिया गया है। और दूसरी तरफ मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूं क्योंकि सुबह से ही भारी पुलिस बल है वो तैनात था। सुबह 6 बजे इसकी सूचना किसानों को मिली कि उनका चौक है वो तोड़ दिया गया है, तो भारी संख्या में जो किसान है वो यहाँ पर एकत्रित हो गए, भारी पुलिस बल है वो यहाँ पर एकत्रित हो गया और जो है किसानों ने फिर से जो है चौक का निर्माण है वो कर दिया है। मैं आपको तस्वीरें इस वक्त जो है सिरसा की दिखा रहा हूँ, किसान चौक का निर्माण है फिर से जो है किसानों ने कर दिया है। और चूंकि कल देर रात तक 10:30 बजे से के समय तक जो किसान है वो यहाँ इस चौक पे मौजूद थे और किसान बार बार जो है ये सूचित कर रहे थे कि अभी चौक है वो सुरक्षित है, लेकिन आधी रात को इस चौक को कुछ लोगों ने तोड़ दिया और सुबह जो है इस चौक की जो मिट्टी है वो यहाँ से करीब 100 मीटर दूर पे जो है किसानों को मिली, ईंटें और जो सामग्री थी किसान यहाँ से फिर से ले आए हैं और जो है चौक का निर्माण है वो यहाँ पे कर दिया गया है भारी पुलिस बल के बीच। और जो है किसानों का कहना है कि परमिशन आती रहेगी, चौक का निर्माण है वो करेंगे, क्योंकि चौक तोड़ दिया है तो इस तरह से पूरी जो है किसान है वो उनमें गुस्सा है उसको लेकर के। और किसान मांग भी कर रहे हैं कि जिन लोगों ने चौक को तोड़ा उन लोगों के खिलाफ भी जो है कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। चौक को दोबारा से बना दिया गया है जो JJP BJP के लोगों ने, जो सत्ता के अंदर है, इन्होंने जो किसान शहीद किसान जो चौक था इसको रात को इन्होंने तोड़ दिया। उस जो शहीदों की मिट्टी थी उस मिट्टी को ठोकर मार के कलश तोड़ दिया गया था, अपमान किया गया था। आज किसान पूरे रोज के अंदर थे और सुबह से किसान इकट्ठे होके आए और सारा जो मटेरियल यहाँ लेके आके दोबारा से चौक बना दिया गया है। प्रशासन भी हमसे आया बातचीत करने के लिए कि आप एक एप्लीकेशन दे दो, हम इसके लिए आपको जो है परमिशन है उसकी वो करवा देते हैं। हमने कह दिया परमिशन मिले ना मिले लेकिन चौक जरूर बनेगा और एक एप्लीकेशन जो है वो DC को हमने दे दिया है इस चौक की परमिशन के लिए, और जिन लोगों ने इस चौक को तोड़ा है उनके खिलाफ भी एक एप्लीकेशन लगा दी है कि उन लोगों की पहचान करके जो भी अधिकारी थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। तो इस वक्त मैं आपको तस्वीरें हरियाणा के सिरसा की दिखा रहा हूं, जहां पे जननायक जनता पार्टी के समक्ष जो ये वैध वाला पुलिया है, जहां पे किसानों ने जो है कल किसान चौक का निर्माण किया था, आधी रात को इस चौक को तोड़ दिया था, लेकिन किसानों ने फिर से इस चौक का निर्माण है वो कर दिया है। और जो नारेबाजी किसानों की ओर से की जा रही है, जो बोले सो निहाल के नारे है वो यहाँ पे लग रहे हैं, किसान चौक का निर्माण एक बार फिर से कर दिया गया है। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम इन जो है किसानों की आवाज़ है, ताकि तमाम इन जो महत्वपूर्ण जानकारी है तमाम लोगों तक पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।